वो मूर्ति करण ने हमें दी थी और वो कड़ा हमने करण को पहनाया था। एक बात आपको कह देते हैं, ये नाटक आपको बहुत महंगा पड़ेगा। कौन सा नाटक? हम कोई नाटक नहीं करे, करण हम आ भाई करण। बस बस, क्या सच है क्या झूठ है ये या पुलिस ही बताएगी। थोड़ी देर में पुलिस यहां पर आने वाली है। विश्वास कीजिए, ये औरत आपको धोखा दे रही है, आप सबको धोखा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, कोई तो है जो हमें धोखा दे रहा है। हमें कल के हादसे के बारे में विमल से पता चला आज सुबह, इसीलिए हम मिलने चले आए। हमें तो लगता है जिन्होंने जिन्होंने वो भोपाल से आते समय हम पर हमला किया था, ये उनमें से ही एक है। हमारे जैसे चेहरे का फायदा उठा रही है, बस बहरूपिया है ये। अगर ये बहरूपिया है तो एक पल में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे चंद सवाल इसकी असलियत को जाहिर कर देंगे। अपने आप को आभा साबित करने के लिए ये रहा आपका पहला सवाल, पूछिए। आभा? आभा का जन्मदिन कब आता है? 7 मार्च। ओह, गलत जवाब। 14 मार्च। इस साल 7 मार्च को होलिका दहन है, उसी दिन हमारा जन्मदिन होता है और माँ हमेशा तिथि के अनुसार हमारा जन्मदिन मनाती थी। ये बताओ कि बचपन में ऐसा कौन सा वो दिन था जिस दिन तुम्हारी माँ मतलब चंद्रप्रभा बहुत खुश हुई? हमें याद है पिताजी, उस दिन याद है बचपन में जब जबलपुर जाने वाले थे और हमने रो रो के जिद की थी, आपको रोक दिया था और बाद में शाम को हमें पता चला था कि उस बस का एक्सीडेंट हो गया और इसमें सारे लोग मारे गए थे। उस दिन माँ को ऐसा लगा था जैसे हमारी जिद की वजह से आप पर आई हुई बला टली है। बहुत खुश हो गई थी। अच्छा तो आप आभा हैं और आपने ये साबित भी कर दिया। ये बताइए आप इतने दिन थी कहाँ? क्या इतने दिन? अरे परसों ही तो हम पिताजी को भोपाल से वापस लाने गए थे। प्रकाश भैया और कनिका के बीच जितने झगड़े हो रहे हैं उनके बीच सुलह करवाने तो पिताजी को लेने गए थे 2 दिन पहले। 2 दिन? 4 महीने। पहले की बात है जब पिताजी हमें और पावनी को खुद गुंडों से बचाकर यहाँ लेकर आए थे। और हमारे बारे में 2-4 सवालों का जवाब देना कोई मुश्किल बात नहीं है क्योंकि पिताजी ने अपनी किताब में सब लिख लिया है। जो अब छप चुकी। अब तक मेरे मन में, हम सबके मन में शंका थी कि तुम शायद असली आभा हो सकती हो, पर अब नहीं है। थैंक यू मिस्टर विमल। वकील साहब के स्केच की मदद से हमें वो लोग मिल गए हैं जिन्होंने स्वर्ण भवन पर हमला किया था। हवलदार, क्या करने आए थे हमारे घर में? किस मकसद से आए थे हमारे घर में? ये काम हमने प्रियंका मैडम के कहने पे किया था साहब। प्रियंका मैडम ने मारे को पीसा दिया था कि हमला करके अलबेली को अठे रखने वास्ते, ताकि वो अलबेली को आप लोग आभा समझ सके और वो ये स्वर्ण भवन अपने नाम करवा ले साहब। स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन।